लाल की जय। बोलो राधा जी सरकार की जय। बोलो हरिदास जो महाराज की जय। हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बिहारी जी की कृपा से सब ठीक होंगे और बिहारी जी की कृपा से मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरी और नई नई कहानी और लीलाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने परिवार जन और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वे भी नई नई कहानी और लीलाओं का आनंद ले सकें। और कमेंट्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलना। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति के घर रात को मेहमान आया। उस समय घर में खाने को कुछ ना बचा था। उस व्यक्ति ने पड़ोसी का द्वार खटखटाया, लेकिन पड़ोसी ने बिछौने पर पड़े पड़े ही कह दिया, इस आधी रात के समय परेशान ना करो, मैं नहीं उठ सकता। परंतु वह व्यक्ति भी अकड़कर खड़ा हो गया, बोला, मैं तुम्हें चैन से नहीं सोने दूंगा, मेहमान के लिए रोटी तो देनी होगी। अंत में उसके आग्रह के सामने पड़ोसी को किवाड़ खोलने ही पड़े। इस प्रकार सच्चे आग्रह से भगवान का द्वार खटखटाएं तो वह अवश्य खोलेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरी और नई नई कहानी और लीलाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने परिवारजन और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वह भी नई नई कहानी और लीलाओं का आनंद ले सकें। और कमेंट्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। 200 सब्सक्राइबर्स की बहुत जल्दी करीब है। और मेरे लड्डू गोपाल और राधा रानी मतलब माधव और माधवी की रोज़ की नई नई श्रृंगार दर्शन और पिक्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझको फॉलो कर लीजिए ताकि आप रोज़ रोज़ उनकी नई नई लीलाएं देख पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी नई लीला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।